हे वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो मैं काम करूंगा आपके साथ, वो मैं आपके साथ चाह रहा हूं कि स्पॉटिंग एरर की बात करूं। एक्चुअली बहुत सारे एग्ज़ाम्स की बात हो गई है, आपके एग्ज़ाम में स्पॉटिंग एरर्स बहुत पूछे जा रहे हैं, और स्पॉटिंग एरर यानी कि कॉमन एरर्स तभी बनता है जब आपको एक ग्रामर का परफेक्ट नॉलेज हो। अगर ग्रामर में नॉलेज नहीं होता है तो आप स्पॉटिंग एरर में प्रॉब्लम आपके साथ होता रहता है। अब यहाँ पे दो बातें आपके साथ करूँगा कि स्पॉटिंग एरर है क्या, कैसे उसे सॉल्व करें। इसके लिए तीन चार चैप्टर्स का नाम आप लिख लें। सबसे पहले टेंस का ज्ञान होना चाहिए, वॉइस का ज्ञान होना चाहिए, नरेशन का, उसके साथ साथ प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एग्रीमेंट। तो इन सारे चैप्टर्स का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। जब इस चैप्टर्स का ज्ञान आपके पास होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप सोच सकते हो, आप देख सकते हो। अगर आप कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं नॉलेज का अभाव है। तो सबसे पहले मैं बात करूं स्पॉटिंग एरर्स की, बात करूं स्पॉट द एरर की, बात करूं तो इसमें करना क्या होता है कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन हो गया, तो यहां पे हमने क्या करा कि hardly had he कम आउट ऑफ द, अब यहाँ से यहाँ तक ए पार्ट हो गया, राइट यहाँ से यहाँ तक ए पार्ट, यहाँ पे स्लैश दिया रहता है। कहने का सेंस ये है, ऐसा मत सोचना आप कि ये पूरा ये जो है अधूरा वाक्य नहीं है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट आपको पढ़ते जाना है और पढ़ते जाना है यहाँ तक, और जिस पार्ट में गलती हो वही पार्ट तुम्हारा आंसर होगा। जब आप पढ़ेंगे, पढ़ने के क्रम में आप देखेंगे कि कहाँ गलती है, जो गलती मिल जाए वही आपका आंसर होता है, और जहाँ पे गलती मान लो ना हो, जैसे हमने पूरा पढ़ा कि hardly had he come out of the cinema hall then the bomb exploded and shattered the hall completely, no error। अगर हमने पढ़ा और कहीं पे गलती नज़र नहीं आया तो इसका मतलब कि आंसर क्या मारेंगे, नो एरर। जैसे मान लो ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, इसको सी कर दिया, इसको डी कर दिया, तो फिर वहाँ जो बॉक्स होंगे उसमें आप आंसर क्या मारोगे, डी, नो एरर्स, राइट। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो और पढ़ने क्रम में जहाँ भी गलती मिल जाए, जहाँ भी गलती मिल जाए वही तुम्हारा स्पॉटिंग एरर्स होता है। तो जो पार्ट में गलती मिल जाए उसको हम आंसर मार देते हैं। मान लो अगर आंसर ए मिले तो ए आंसर, आंसर बी मिल जाए तो बी आंसर, सी मिल जाए तो सी आंसर, और ना मिले तो डी आंसर, राइट। समझ में आ गया। अब प्रश्न उठता है कि सर बनाकर देखते हैं, अब देखते हैं पढ़ करके कि वाकई जो मैंने बातें कही वो सही है या नहीं है। हमने यहाँ पर क्वेश्चन दिया hardly had ही कम आउट ऑफ द, अब देखो हार्डली अगर एक कॉन्सेप्ट होता तो हम लोग दिमाग लगाते कि भाई हार्डली के साथ हैड आता है कि नहीं आता है। तो मैं आपको समझाऊं, देखो यहाँ पे एच ए आर डी एल वाई, हार्डली जैसे ही आता हो तो ध्यान देना उसके तुरंत बाद हैड आना चाहिए, और हैड के बाद तुरंत भरो का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो देखो तो हार्डली है, हैड भी है, और कम, चूंकि कम वी वन भी है, वी टू भी है और वी थ्री भी है, कम केम कम, राइट। तो कम वी वन हो गया, केम वी टू हो गया, और कम वी थ्री क्या होता है, ध्यान दो, कम केम और कम, कम का वी टू क्या हो जाता है, केम, और वी थ्री क्या होता है, कम। तो ये जो V1 और V3 है ये दोनों फॉर्म समान होता है, तो इसके V1 और V3 समान फॉर्म होते हैं। तो hardly had he come, तो यहाँ तक कोई गलती नहीं है। आउट ऑफ द सिनेमा हॉल, आउट ऑफ द सिनेमा हॉल, यहाँ तक गलती नहीं है। अब देखो आगे दिया देन, अब ध्यान देते हैं आगे कि V3 के बाद आगे अदर वर्ड, यहाँ तक गलती नहीं। अब आगे क्या हो रहा है कि hardly had के बाद अगर कोई सेंटेंस, चूंकि hardly had हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट और द बॉम्ब यहाँ भी हो गया सब्जेक्ट, एक्सप्लोडेड ये हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म V2, तो अब ध्यान देना है कि अगर इसके बाद कोई सेंटेंस आ रहा हो तो जोड़ने का अधिकार दो ही बार आता है, एक आता है WHEN when और एक आ सकता है बिफोर। इसके साथ आप S प्लस V2 लगा सकते हैं, ऐसा कंडीशन होता है। अब यहाँ पे हमने बात करा बच्चे कि hardly had V3 लगा दिया, अदर वर्ड when या बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। मैं चाह रहा हूँ आपको सिखा देना अंग्रेजी। अब जा देखो कि सिनेमा हॉल को देन दिया है, अब देखो इसको गौर से क्या दिया है, देन दिया है। अब बताओ देन गलत हुआ कि नहीं हुआ, आना क्या चाहिए था, वेन, आना क्या चाहिए था, बिफोर, ये दोनों में से कोई एक आना चाहिए था। तो बोलो गलती बी पार्ट में, अगर हमने इसे बी कहा है तो बोलो बी पार्ट में गलती हुआ कि नहीं हुआ। अगर यहाँ पे हम वेन लगा दें
अगर यहाँ पे हम बिफोर लगा दें तो कोई एक वर्ड आएगा जिसके हिसाब से क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस तरह से जब आप देखोगे तो आपके आंसर सही होंगे, कटेंगे नहीं। बस ध्यान रखना चाहिए, तो हार्डली हैड क्या हो गया, ग्रामर का पार्ट हो गया। तो हार्डली हैड भीतरी अदर वर्ड, ये क्या लिखा हूँ, अदर वर्ड ओ डब्ल्यू वेन या बिफोर प्लस वी टू प्लस अदर वर्ड। एक एक पार्ट जब हम आराम आराम से चलेंगे तो कोई भी क्वेश्चंस मेरे बच्चे गलती आपसे नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। आज अगर आपने एक रूल सीखा है तो आगे जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सब आपको आएगा। धीरे धीरे करके मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन करने से पहले हमने आपको बताया था ना कि जब भी क्वेश्चंस करो दिमाग में ये सोचो कि आखिर ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछा है, इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कैसे बनाए इसको, कैसे सोचे इस पर। हमने कहा माधुरी एंड, अब यहां लिखा हमने क्या, माधुरी माधुरी एंड आई हैव डन माई वर्क पेशेंटली एंड डिलीजेंटली जस्ट फॉर आवर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर नो एरर्स। जब हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस तो अगर आपके पास फैक्ट पता होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा, तो आपसे कभी एरर गलती नहीं होगा। मैं यहाँ बात करूँ कि माधुरी एंड आई, अगर ये पता होगा कि ये सब्जेक्ट है, राइट, तो सब्जेक्ट हो गया तो हैव आएगा ही आएगा, क्योंकि माधुरी एक, आई दो, तो पर्सन हो गया दो, यानी माधुरी एंड आई हो गया प्लूरल, तो हैव आएगा ही आएगा, यानी यहाँ तक कोई गलती नहीं है। डन माई, अब आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर सब्जेक्ट हो और इसके साथ पजेसिव लगाना हो, सब्जेक्ट हो और पजेसिव लगाना हो, पजेसिव, तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि भाई अगर सब्जेक्ट आई हो तो बोलो पजेसिव क्या होता है बच्चे, माई। अगर सब्जेक्ट बी हो तो पजेसिव क्या होता है बच्चे, आवर। अगर पजेसिव सब्जेक्ट यू हो तो क्या होता है बच्चे, योर। सब्जेक्ट अगर ही हो तो क्या होता है बच्चे, हिज। पता है सबको? अब इस तरह से आप देखते जाओ, लिख लिया आपने सबने, अब मिटा रहा हूँ, फिर देखो आगे। अगर सब्जेक्ट शी हो तो क्या होता है बच्चे, हर। सब्जेक्ट अगर दे हो तो क्या होता है बच्चे, डियर। पजेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार दिखाने वाला। जैसे मैं कहूं कि मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क, यू डू योर वर्क, ही डज हिज वर्क, सी डज हर वर्क, दे डू डियर वर्क। ये पजेसिव का मतलब होता है अपना। देखो मैं हर चीज सोच के चल रहा हूं कि आपका बेसिक चीज ठीक कर दूं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन जब बनाते हैं तो समस्याएं कहां होती है, जड़ में, बिल्कुल बेसिक में समस्या होती है। उसी बेसिक की समस्या को मैं सॉल्व करने के लिए, मेरे दो क्वेश्चन कराने से, चार कराने से आपको अंग्रेजी नहीं आएगा। मैं आपको मैं वो सिखा रहा हूं कि जड़ कहां है अंग्रेजी का, वो बेस क्या है, कैसे सोचेंगे अंग्रेजी में। तो हमने कहा सी है तो हर, दे है तो डियर, और देखो मान लो कहा मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क, तुम अपना काम करते, यू डू योर वर्क, तो हुआ ना अपना। उसी तरह से अगर यहां पे सब्जेक्ट, आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन, याद आ रहा है, प्रोनाउन पढ़ा होगा आपने या देखा होगा मेरा वीडियो भी यूट्यूब पे, तो प्रोनाउन में कहा था 231, याद आ रहा है 231 क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया 2 3 1, यानी कि यू ही एंड आई, क्या हो गया सब्जेक्ट, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई। तो आखिर इसका पजेसिव क्या होगा, तो इसका पजेसिव होगा जब किसी दिख जाए तो आवर। ध्यान रखना कॉन्सेप्ट को, जब भी किसी सेंटेंस में आई दिख जाए तो उसका पजेसिव आवर होता है यदि वो प्लूरल हो। तो यू ही एंड आई, इसको बोलते हैं धारा 231। ध्यान देना बच्चे, 231 जो होता है, अगर आप ऐसे चल रहे हो तो राइट 2 + 3, 2 + 1, 3 + 1, ऐसा करना राइट होता है, ऐसा करना राइट होता है। इसके साथ वर्ब भी लगाते हैं हम प्लूरल, इसके साथ वर्ब लगाते हैं प्लूरल, जैसे यू एंड ही हो सकता है, यू एंड आई हो सकता है, ही एंड आई हो सकता है, और सबके साथ वर्ब क्या लगाएंगे हम, प्लूरल, जैसे यू एंड ही आर, यू एंड आई आर, ही एंड आई आर, ठीक है राइट। अब यहाँ देखो कि इस कॉन्सेप्ट पर 3 + 1, 3 + 1, माधुरी कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो देखो 3 + 1 हुआ कि नहीं, 3 + 1 हुआ कि नहीं, तो बोलो यहाँ पे हैव आया कि नहीं आया, आया ना। ऐसा मत सोचना कि आई के अनुसार, यहाँ पे माधुरी एंड आई ये दोनों मिल करके पर्सन हो गया दो, तो भर्व क्या हो गया प्लूरल। देखो भर्व क्या होते हैं, प्लूरल, और इसका जो पजेसिव होता है, पजेसिव, वो पजेसिव आई के अनुसार आवर होता है। जिस सब्जेक्ट में अगर पर्सन आई दिख जाए वहाँ हमेशा आवर होता है। जैसे क्या होता है, यू एंड ही कर सकते हैं,
देखो यू ही एंड आई, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, देखो 2+3, तो अगर मैं करूँ यू एंड आई तो भी यहाँ पे आबर होगा, अगर मैं करूँ ही एंड आई तो भी यहाँ पे आबर होगा, लेकिन यू एंड ही करें, मान लो हम क्या करें, ध्यान दो, यू ही एंड आई तो आबर, यू एंड आई तो भी आबर, ही एंड आई तो भी आबर, क्यों, क्योंकि सब में क्या है आई 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 दिख रहा है, तो जिस सब्जेक्ट में आई दिख जाए वहाँ आबर होता है, और अगर आई ना हो, मान लो यहाँ पे क्या होता, आई नहीं होता, यू एंड ही होता, यू एंड ही, तो यू के साथ ही है ना, अगर आई ना रहे यू रहे तो उस केस में हो जाएगा योर, समझा बच्चे, अगर यू और ही रहे तो क्या हो जाएगा योर हो जाता, तो यहाँ पे देखो माधुरी एंड आई, तो यहाँ बोलो माई होगा क्या बर होगा, तो माई गलत हो गया, आबर हो गया, क्योंकि माधुरी एंड आई, ही माधुरी कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, तो ही एंड आई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आबर की बात करेंगे। इस तरह से आप एक एक क्वेश्चन सोल्व करना, एक एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन देखने से करना क्या है, हम लोगों को वो कॉन्सेप्ट जानना है कि आखिर वो कॉन्सेप्ट कहाँ है, वो जड़ कहाँ है, उस क्वेश्चन का थॉट क्या है। हमने कहा सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे बिकॉज सी इज इल, सो सी कैन परफॉर्म हर वर्क आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर अ वाइल। अब यहाँ पर देखिए सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल, अब अगर आपके पास वो कॉन्सेप्ट होता भाई सुनीता है तो इज होगा ही होगा, इज के बाद फीलिंग दिया है कोई डाउट नहीं, लिटिल अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल फील कर रही है टुडे, स्लैश यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब कि वहाँ से यहाँ तक ए पार्ट हो गया, बिकॉज सी इज इल क्योंकि इल है ना, सो सी कैन परफॉर्म ये बी पार्ट हो गया, हर वर्क आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर अ वाइल ये सी पार्ट हो गया, और नो एरर डी पार्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर बच्चे मैं वह चीज़ हिट करना चाहता हूँ जहाँ से एग्जाम का क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले आप जानो कि जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा, उस जड़ को देखो। अगर आपको ये पता होता कि भाई लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, यानी लिटिल अ लिटिल द लिटिल में अंतर क्या है, अगर ये ज्ञान होता तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, आपको एसएससी सीपीओ यूपीएससी कोई एग्जाम आपको टफ नहीं लगता। मैं इधर कुछ दिनों से मैं एग्जाम के पैटर्न में काम कर रहा हूँ, आपके लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा दोस्त मुझे याद कर रहा है और एक क्वेश्चन उसे फंस नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दिल्ली में पढ़ने आते हैं, दिल्ली में पढ़ने आते हैं तो समस्या उनके साथ ये होता है कि उनको पता नहीं चलता गलती है कहाँ, हम कैसे गलती ढूंढें, कहाँ से गलती निकालें। तो मैं उनको सलाह देता हूं कि अब दिल्ली दूर नहीं, अब दिल्ली आकर के अब आराम से क्लास कर सकते हो। तो यहां ने कहा लिटिल ए लिटिल द लिटिल, अब लिटिल ए लिटिल द लिटिल क्या है, इन तीनों का प्रयोग कहां करना, तो इन तीनों का प्रयोग करना अनकाउंटेबल नाउन के साथ, क्या प्रयोग मचा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब अनकाउंटेबल नाउन आजीवन होता है सिंगुलर, और वर्ब भी क्या लेता है बच्चे सिंगुलर, राइट, तो अनकाउंटेबल तीनों का प्रयोग, लिटिल ए लिटिल द लिटिल तीनों का प्रयोग कहां करना अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, फिर सुन लो लिटिल ए लिटिल द लिटिल तीनों का प्रयोग कहां करना अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, तो अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर नाउन होगा, वर्ब भी क्या लेगा सिंगुलर, लेकिन एक एक का अंतर पता करो, लिटिल का मतलब होता है नगण्य, लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, लिटिल का मतलब होता है नेगेटिव वर्ड, लिटिल इज अ नेगेटिव वर्ड, इसके साथ नो नॉट नेवर नहीं लगाते, लिख लो ना लिख लो कॉपी करने का, लिखो देखो मत लिख लो साथ साथ, तो लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नो नॉट नेवर नहीं लगाते हैं, क्यों सर, क्योंकि लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है, नो नॉट अब ये कैसा वर्ड है नेगेटिव वर्ड है, हिंदी क्या हो रहा है नगण्य, जैसे मान लो किसी ने कहा कि देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, तो ग्लास में पानी कितना है ना के बराबर, आई किसी ने बोला आई नीड योर लिटिल हेल्प, तो हेल्प नहीं मांग रहा है वो, आई एम लिटिल सॉरी मुझे कोई दुख नहीं है, तो सॉरी हमने बोला आई एम सॉरी मुझे दुख है, आई एम लिटिल
लिटिल सॉरी, मुझे दुख ना के बराबर है। तो सेंटेंस देखो, किसमें फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल, अब बीमार है तो लिटिल का प्रयोग नगण्य है, तो अनकंफर्टेबल लिटिल कैसे होगा भाई, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना उसको, बीमार है ना सुनीता, तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, तो सेंटेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इस लिटिल के साथ कभी भी नो नॉट वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे अनकंफर्टेबल है, तो अनकंफर्टेबल चूंकि कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, क्यों सर, क्योंकि कंफर्टेबल पॉजिटिव, अनकंफर्टेबल अब उसके साथ यहाँ पे लिटिल लगाया है, तो ध्यान दो चूंकि यहाँ पे इल है, बीमार है, तो कुछ ना कुछ समस्या है ना उसको, इसलिए यहाँ पे लिटिल वर्ड आना उचित नहीं है। अब देखते हैं कि ए लिटिल क्या है, तो ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, ए लिटिल मतलब क्या होता है, थोड़ा, यानी कि यह पॉजिटिव वर्ड है, ये क्या होता है तो थोड़ा, यानी यह पॉजिटिव वर्ड है, तो ए लिटिल ये पॉजिटिव वर्ड है। अब देखो कि थोड़ा सा उसको अनकंफर्टेबल, थोड़ा सा तो होगी ना, क्योंकि बीमार है ना, आगे बीमार है तो थोड़ा सा तो उसे अनकंफर्टेबल तो होगा ही होगा, इसलिए यहाँ पे लिटिल के स्थान पे अगर मैं ए लिटिल लगा दूँ तो सेंटेंस राइट हो सकता है। यानी कि अगर मुझे पता होता कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल कहाँ प्रयोग होता है, तो क्वेश्चन हम आसानी से सोल्व कर सकते थे। तो पहला बताया लिटिल इज अ नेगेटिव वर्ड, इट नेवर टेक्स, नो नॉट नेवर, लिटिल का प्रयोग नेगेटिव में करना, ए लिटिल थोड़ा सा पॉजिटिव, जैसे आई नीड अ लिटिल वाटर, आई टुक अ लिटिल टी टुडे, आई गेव यू लिटिल एडवाइस, आई एम ए लिटिल सॉरी, मुझे थोड़ा सा दुख है, ए लिटिल सॉरी, है ना, तो इस तरह से ए लिटिल का प्रयोग आप कर सकते हो। आई टुक अ लिटिल टी टुडे, आई ड्रिंक अ लिटिल वाटर टुडे, तो अ लिटिल मतलब थोड़ा सा पिया है, ज़्यादा नहीं पिया है, तो अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, नगर नहीं, ये पॉजिटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट लगा सकते हो। द लिटिल का मतलब क्या हुआ, द लिटिल मतलब ये ग्रुप को शो करता है, ये कंपाउंड को शो करता है, जैसे यहाँ पे मान लो थोड़ा सा पानी है, सबका मतलब थोड़ा होता है, लेकिन इसका हिंदी होता है जो थोड़ा सब, जो थोड़ा सब, यानी कि जैसे मान लो कि ये बॉटल है, इस बॉटल में इतना सा पानी था, तुमने किसी को पीने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, बेचारा सब पी गया, आपने कहा जरा पानी देना, तो उसने अंग्रेजी में बोला यार आई ड्रैंक, मैं पी गया, आई ड्रैंक द लिटिल वाटर देयर इन द बॉटल, जो बॉटल में थोड़े से पानी थे ना, मैं सब पी गया, आई ड्रैंक द लिटिल वाटर, आई ड्रैंक द लिटिल वाटर देयर इन द बॉटल, जो बॉटल में थोड़े से पानी थे ना, मैं सब पी गया, तो जो थोड़ा सब, जो थोड़ा सब, क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, द लिटिल का, तो लिटिल ए लिटिल द लिटिल तीनों नेगेटिव वर्ड है, सॉरी लिटिल ए लिटिल द लिटिल तीनों अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, काउंटेबल के साथ नहीं आता, लिटिल नेगेटिव वर्ड है, ए लिटिल पॉजिटिव है, द लिटिल मतलब जो थोड़ा सब का बोध कराता है, तो यहां पे क्या लगाएंगे, सुनीता इज फीलिंग अ लिटिल अनकंफर्टेबल बिकॉज ही इज इल, बीमार है, इसे थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए, अनकंफर्टेबल है, इस तरह से आप किसी भी कॉमन एरर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको बिना हेडेक दिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हिंदी निकाल करके कॉमन एरर नहीं बनाते, इसको भी ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, बच्चे अगर आप घर बैठ करके आप चाहते हो क्लास लेना ऑनलाइन, तो आप घर बैठ करके भी क्लास ले सकते हो, धर्मेश क्लास, ये जो क्लास पढ़ाता हूँ सेम लाइव आपके पास हो सकता है अपने मोबाइल पे, डिस्क्रिप्शन जो दिए गए हैं इस पर क्लिक करके आप क्लास ले सकते हो। नंबर टू, इसके साथ साथ आप इस वीडियो को जितने अपने मित्र हैं, दोस्त हैं, आप डिस्कस करो, क्यों डिस्कस करो, क्योंकि आप अपना नॉलेज चेक करो कि आप नॉलेज कहाँ तक बढ़ रहा है, आप यूट्यूब मुझे फॉलो कर रहे हो तो हर चीज़ देखो, और पूरे भारत में हर बच्चे की मदद करो, क्योंकि मैं मदद आपकी कर रहा हूँ, आप पूरे हिंदुस्तान की मदद करो, आपस में अंग्रेजी में डिस्कस करो, जहाँ कहीं कुछ और चाहिए तो मुझसे आप मांगो, आप बताओ कि सर और किस पे वीडियो बनाना है, मैं वो बनाऊंगा और आपको दूंगा। इसके साथ साथ अगर DSL का बुक्स चाहिए आपको, DSL के बहुत सारे बुक्स हैं, अगर आपको बुक्स चाहिए तो आप मुझे कॉल करो और या व्हाट्सएप करो, मैं आपको बुक्स भी भिजवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।